मैं रेडी हो गई हूँ, इसको बुला रही हूँ। ये देखो, ये कैसे लेटा हुआ है। ये खाना खा के यहाँ से बर्तन भी नहीं उठाए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है दक्ष कार्की। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। और रोज की तरह आज भी ठंडा हो रहा है, लेकिन आज धुआं नहीं निकल रहा है। तो मैं रोज की तरह बस स्टॉप की तरफ निकल चुका हूँ। एक हाथ मेरे जेब में है, यहाँ पर ऐसे के अंदर को मैंने दबा के रख रखा है कि ठंडा ना लगे। ठंडा बहुत हो रहा है, लेकिन धुआं बिल्कुल भी नहीं निकल रहा। और आज उसमें ओस भी नहीं जमी है कोई भी गाड़ी में, शायद से साफ कर दिया होगा। आज मैंने ट्रैक सूट पहना है और देखते हैं आज बहुत। आज तो पहाड़ भी दिख रहे हैं, और दिन वरना क्या होता है कोहरे के जैसे पहाड़ कभी कभी क्या होते थे, नहीं दिखते थे। आज आपको दिखाते हैं कितने ज़्यादा दिख रहे हैं पहाड़, देखिए। और यहाँ पर एक डॉग भी है जो मेरी तरफ ऐसे दिख रहा है, वो मेरी बस्ती मेरी नहीं है। हाँ मेरी है, मेरी बस ऊपर जा चुकी है और हम अभी यहाँ आराम से आ रहे हैं। पीछे से एक डॉग ही आ रहा है जो अब जा चुका है। है ऊंचा पुली करके दिखा रही थी बस, तो ऊंचा पुली दिखा रही है मम्मी, कह रही। और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन सुबह सुबह जाता हूँ तो जब सुबह उठता हूँ तो इतनी ज़्यादा ठंडी लगती है, मुझे मन करता है वापस रह जाएगी अंदर। हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर में सकुशल होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के व्लॉग में। आज का व्लॉग इस प्रकार है कि काम करके मैं फ्री हो चुकी हूँ, जैसे मैं रोज़ होती हूँ। मशीन चल रही है, कपड़े ड्राई हो रहे हैं, बस कपड़े छत में डालने हैं, अदरवाइज सब काम हो गया है। ब्लॉग की एडिटिंग भी हो गई, बस कंटेन नहीं समझ में आ रहा कि कंटेन क्या रखूँ। कंटेन से ही जो है सबसे ज़्यादा मेन कंटेन ही होता है, तो देखते हैं वो जो भी है आ ही जाएगा समझ में। बाकी घर के सब काम हो चुके हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा काम सुबह ही हो चुके थे, जब दक्ष स्कूल भी नहीं गया था उससे बहुत पहले ही घर के सब काम हो गए थे। बस नहा के पूजा करनी थी, जो मैंने कर चुकी हूँ, और अब फ्री हूँ, आराम से बैठूंगी थोड़ी देर, अपने आप को टाइम दूंगी। और सुबह उठी तो आज ऐसा लग रहा था कि उठने का मन नहीं कर रहा था, ऐसा मन कर रहा था सो ही जाऊँ करके, बट स्कूल तो है ही, क्या करें। और मेरे फेस में और पिंपल होते हुए आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, इनका मैं क्या ही कर सकती हूँ। खैर, तो जो चीज़ें हैं तो है, क्या करें उनका, है ना। और बाकी सब चीज़ें हो चुकी है, बस बिस्तर में मैंने रजाई जो है वो नहीं समेटी, उस वो इसलिए नहीं समेटी क्योंकि अब बिना रजाई के जो है बैठा नहीं जाता है, तो वो तो चाहिए ही होती है। बैठ के मैं अपनी ब्लॉग की एडिटिंग वगैरह कर रही थी, दक्ष भी सुबह ऐसी रजाई में ही बैठा हुआ था जब तक बस नहीं आई, जब तक रेडी नहीं हुआ था। और मशीन भी हमारी जो है कम्प्लीट हो चुकी है, आवाज़ आ गई होगी आप लोगों को। तो कपड़े भी छत में हैंड टू हैंड डाल के आ ही जाते हैं, उसके बाद सीधे बैठ ही जाऊँगी। बस चलती हूँ छत की तरफ, बाल्टी, अच्छा बाल्टी तो उधर होगी, बाल्टी ले लेती हूँ। ये हैं इतने सारे कपड़े जो धुले हैं, इनको ले जाते हैं छत में। कपड़े तो डाल दिए छत में, इतने सारे कपड़े धुले हैं मैंने, धूप आई है बढ़िया सी, बट मुझे जाना है नीचे, बाल्टी खाली हो चुकी है। और ये यहाँ भगवान जी को दिया भी जल चुका है, नीचे जाते हैं, नीचे बैठते हैं थोड़ी देर। छत में क्या हो रहा है, धूप तो आ रही है बट क्या है कि हवा भी चल रही है उसके साथ साथ, तो ठंडा लग रहा है बहुत ज़्यादा। और मैंने खाली एक टी शर्ट पहन रखी है हल्की सी, वो भी वूलन में नहीं है, कॉटन टी शर्ट है, बट मोटा कॉटन भी होता है जो थोड़ा सा वो है, तो नीचे कोई रहता है अपने रजाई में ही सही रहता है, मुँह ढक के लेटे रहो बस। अभी और कपड़े भी धोने हैं बट अब कल धोऊंगी, ये कल के वाले हैं जो थोड़ा सा गीले हैं, तो उनको मैंने ऐसे ही रखा है। मैं लेट जाती हूँ आराम से, फिर मिलती रहती हूँ आप लोगों से बीच बीच में। बाहर भी जाना है मुझे, जाऊँगी शाम को जाऊँगी या दिन में जाऊँगी, देखते हैं जैसा भी होता है। मैं यहाँ पर बैठे बैठे व्लॉग अपलोड करके व्लॉग के लिंक शेयर कर रही थी, पता नहीं कब वो दिन आएगा जब बिना लिंक शेयर करें हमारे व्लॉग में अच्छे व्यूज़ आएंगे। अब यहाँ पे इतनी तेज़ धूप लग रही है कि मैं नीचे जा रही हूँ छत के सारे कपड़े उठा के, वो भी सब सूख गए हैं। ये गाल ऐसा कर रखा है कि इस तरफ ज़्यादा धूप लग रही है तो इसमें बहुत ज़्यादा गर्म हो गया,
तो जाते हैं नीचे, खैर मेहनत कर रहे हैं, देखो कब रंग लाती है ना। तो जी ऐसा है, कपड़े भी तय करके मैंने रख दिए हैं। अच्छा मैंने यहाँ की लाइट बंद भी करी, और अभी मैं जा रही हूँ किचन में। दाल तो मैंने दक्ष की फेवरेट वाली दाल जो है अरहर की दाल, जिसको पसंद है वो बना दिया। आज हम बनाएंगे चावल, और अब मैं खाऊंगी दही। मतलब मुझे ना ऐसी ऐसी चीज़ें खाने का मन कर रहा है जो जिसको सर्दियों में खाना ही नहीं है, जैसे खा के ज़्यादा सर्दी लगेगी है। और कल भी मैंने दही खा लिया था, उसके बाद क्या हुआ कि मुझे सुबह इतनी छींक आ रही थी, रात में भी छींक आ रही थी, बट फिर भी देखो इसमें मैंने खाया था ये, इसलिए मैं दोबारा से निकाल रही हूँ। मतलब जो चीज़ें अभी अलाउड ही नहीं होती ना इंसान को कि चलो नहीं खाना है इस टाइम पे, तो मैं वही चीज़ें खा रही हूँ सर्दियों की वाली जो होती है। आइसक्रीम खाने का मन भी करा था बट वो तो मैंने खाया नहीं। और ये देखो कोल्ड ड्रिंक लेके आई थी ना मैं, ये पूरी ख़त्म हो गई, इतनी सी बची है। इस गिलास से दो गिलास मैंने अभी पी, और सिर्फ एक गिलास दक्ष को दी थी, और अभी मैं ये खा रही हूँ। और मेरे फेस में पता नहीं क्यों इतने पिंपल हो रहे हैं और ज़्यादा बेकार जैसा दिख रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकेंड चीनी डाल देती हूँ इसमें। हाँ तो मैं बोल रही थी फेस के लिए, और अब मैं इसमें डालूंगी ना थोड़े से बादाम डालूंगी। कभी आप लोगों ने खाया है नहीं खाया है इसमें, और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा बादाम। पता नहीं आप लोगों ने इसमें कभी बादाम डाल के खाया है नहीं खाया है, बट बहुत टेस्टी होता है। बट इसको तोड़ के डालते हैं, मैंने ऐसे ही डाल दिया इसको। इसमें पिस्ता भी मिला सकती हूँ, मैं देखती हूँ पिस्ता है या नहीं है करके एक बार अपने ड्राई फ्रूट्स वाले डिब्बे में। एक सेकेंड अभी मिलती हूँ। हाँ मिल गया, पिस्ता भी है। कैसे खोलूँ, हो जाता है फिर सीधे मुंह में ही आता है, तो मुंह से खोला जाए सीधे सीधे। ये है, इनको छील के डाल देते हैं। ये रहे, मैंने दो बादाम निकाल दिए, ज़्यादा हो रहे थे, इनको सबको मिक्स करके बढ़िया से अब खाया जाए। जो दही में लेके आई थी ना बहुत ही अच्छी है ये एकदम। ये देखिए ऐसे मिक्स करते हो, ये हो गया रेडी, अब खाते हैं। कहने के लिए शब्द नहीं है, ट्राई करना आप भी, अतरंगी चीज़ मेरी तरह। दक्ष बस पहुंचने वाला है और खाना रेडी है। दाल मैंने गर्म करने के लिए रखी है, चावल जस्ट अभी अभी बनाया, और मुझे ना बहुत भूख लग रही थी, मैं सोच रही थी मैं बना के खा लेती हूँ, बट चावल जो है ठंडे हो जाते हैं, उनको गर्म भी नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने जो है थालियाँ रेडी कर ली हैं, दाल इसमें गर्म हो रही है, चावल बन चुके हैं, और ये है कटोरी में घी। दक्ष के आने का वेट है, फटाफट से खाएंगे, पहुंच जाएगा 5 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा, बस मैं बाहर जाकर इसका वेट करती हूँ। कैसा गया आज का दिन बता तो, कहाँ छुप रहा है वहाँ? बढ़िया। ऊपर उठ फिर, होमवर्क वगैरह कुछ कराया किसी चीज़ में ना? और खाना खाया? चीज़ों में काम कराया, खाना हाँ खाया। सही हुआ। हाँ। किसके साथ खाया? करण दादा के साथ ना, शांतनु। अच्छा उठ तो फिर, किस किस चीज़ में काम करवाया? हिंदी का पीरियड हुआ था, हिंदी में काम नहीं करा। साइंस का पीरियड हुआ था, साइंस में काम करा। साइंस का वो चैप्टर कंप्लीट करा था जिसका आधा काम कराया था। हाँ। वो पूरा याद हो गया तुझे साइंस? ना। 3 दिन से साइंस ले जा रहा है, तुझे याद नहीं हो रहा है? तो और मैं करा दिया ना, फिर भी 2-3 क्वेश्चन बचे। अच्छा और किस में कराया? SST में? SST में हाँ। कल SST में क्या ले जाना है? हिस्ट्री ले जाना है। हाँ। हिंदी में? हिंदी ले जाना है। व्याकरण। और इंग्लिश में? इंग्लिश में लिटरेचर। चल खड़ा हो, खड़ा खड़ा हो, खाना खाते हैं हाथ मुँह धो के, फिर मुझे कहीं जाना है। कहाँ? मुझे जहाँ जो बुआ नहीं थी। हाँ। तेरी बुआ जो है, जो बुआ के बगल में जिनका मकान था ना, जो दूसरी बुआ थी मतलब, वो उनके घर जाना है। वहाँ से कुछ गाँव बुआ ने कुछ सामान भेजा है तेरे लिए, वो लेने जाना है। तू ट्यूशन जाएगा, मैं वहाँ से वो लेके फ्रूट्स लेके सब्जी लेके घर आऊँगी, ठीक है? तब तक आ जाऊँगी। कल छुट्टी है क्यों? कल तो क्रिसमस सेलिब्रेशन था कह रहे थे स्कूल में, कैंसिल हो गया? सर ने बोला कल छुट्टी रहेगी, परसों तो वैसे भी छुट्टी है संडे की। देखते हैं फिर, मैसेज आएगा तू ना, पता चल जाएगा। तो बोला था कि कल छुट्टी है। क्रिसमस सेलिब्रेशन कब था? आज? हाँ। मुझे लगा कल 24 को है। नहीं आज कराया था, ऐसे सेंटा क्लॉज बन के आए थे। हाँ तो फिर आज हो गया होगा, कल छुट्टी होगी, देखेंगे मैसेज आ जाएगा, अभी तो आया नहीं। चलो फेवरेट वाली दाल और चावल और घी। देखिए मम्मी ने खाना डाल दिया, ये मेरी थाली और ये मम्मी की थाली है। इतना भात हो रहा है अभी, फिर खाएंगे। वाओ नाइस, चलो ओह माय गॉड। मैं रेडी हो गई हूँ, इसको बुला रही हूँ। ये देखो ये कैसे लेटा हुआ है, ये खाना खा के यहाँ से बर्तन भी नहीं उठाए। अच्छा मैं चले जाऊँगी वहाँ, ये जाएगा ट्यूशन, इसको मैं छोड़ते हुए जाऊँगी अभी, फिर वहाँ से आते समय सब्जी फ्रूट्स वगैरह भी लेके आना है, तो देखते हैं जैसा भी होगा। चलो उठो 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 उठो, मैं ट्यूशन ही जा रहा है। नहीं नहीं ट्यूशन तो जाना है, परसों भी नहीं गया था ट्यूशन, आया बड़ा ट्यूशन में जाने वाला, खड़ा हो चल।
फ्रेंड्स अभी मैं ट्यूशन जा रहा हूँ लेकिन मैं फ़ोन लेके नहीं जा रहा हूँ, मम्मी पीछे से आ रही हैं, वो छोड़ेंगे मुझको ट्यूशन। छोड़ूंगा चले जाएगा, छोड़ दो आप, अभी तो रुक गया था, मैं चले जाऊंगा वापस, आप छोड़ दो वापस। चाचा भाग तो निकल गए ना। मैं तो आ चुकी हूँ घर, ये रहा सामान लेके, दक्ष अभी तक आया नहीं, उसके स्कूल से मैसेज नहीं आया, छुट्टी नहीं है करके, उसी के हिसाब से मैं काम करती, काम मतलब कि मैंने सोचा ना मैं सुबह के लिए चने भिगाऊंगी तभी भिगाती, वरना नहीं भिगाती। तो अभी तक तो आया नहीं मैसेज, देखते हैं, दक्ष भी नहीं आया, मैं पहुँच गई हूँ तो मैं ठंडा लग गया है कि बस क्या ही बताया जाए, फटाफट से कपड़े चेंज करती हूँ। तो दक्ष ये सब कर रहा है, मैं करती हूँ खाने की तैयारी, और कल है दक्ष की छुट्टी, हुर्रा।